राइट फ्रेंड्स, नाउ यू जस्ट रेफर योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 57 एंड सेम आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9.5 ऑन सॉल्यूशन बुक. क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 57 ऑन क्वेश्चन बुक एंड क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9.5 ऑन सॉल्यूशन बुक. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 3 से 4 बार अभी तक ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है. 3 to 4 times एग्जाम में आ चुका है, लेकिन मैंने 2 times लिया है. मैं बोला आपका जितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ. और इसमें अपन को सिंगल बस का भी करना है, 5 buses का भी करना है, 25 का भी करना है, वो सारा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है बच्चों को, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ. SMC इज ए पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses. कितना है, दिस इज योर गिवन, उसके पास 5 buses है. सबसे पहले फ्रेंड्स अपना कंसेप्ट होता है क्वेश्चन को समझने का. अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया फिर आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया फिर आपको प्रॉब्लम होगा नहीं. SMC इज ए पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses ईच प्लेइंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट्स. SMC इज ए पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses each playing in different direction for the transport of its school students. In view of the large number of students availing the buses, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. 2 shifts उनको है, एक है morning में और एक है afternoon में. बहुत ध्यान से एक एक concept को आप सुनिए, 2 बार 3 बार question को read करिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा देखिए. SMC इज ए पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses. 5 buses हैं अपने पास, ठीक है. 5 buses ईच प्लेइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट्स. इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग ऑफ द बसेस, द बसेस वर्क 2 shifts डेली, बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून. 2 हैं, एक मॉर्निंग है और एक आफ्टरनून है. The buses are garaged in the school. The workload of the buses has been so arranged that in the morning, the first trips picks up the senior students and the second trips playing an hour later picks up the junior student. And similarly, in the afternoon, first drop the junior student and an hour later, the second trips takes the senior student. देखो, ये आपका स्कूल है, ओके. ये आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, ये आपकी आफ्टरनून शिफ्ट. ये स्कूल है, स्कूल स्कूल से हम जाएंगे पहले सीनियर को लेंगे, बराबर. फिर सीनियर को लेके स्कूल आ जाएंगे, फिर हम जूनियर को लेंगे, फिर जूनियर को लेके स्कूल आएंगे. अब इनको लेके आए तो इनको वापस घर भी छोड़ना पड़ेगा. ये पिक का हो गया और ये ड्रॉप का हो गया. इसका मतलब टोटल आपके 8 trips हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस पहले स्कूल से सीनियर को लेना है, सीनियर को लेके स्कूल आना है, फिर 1 घंटे बाद जूनियर को लेने जाना है, जूनियर को लेके स्कूल आना है, फिर सीनियर को छोड़ने जाना है, फिर स्कूल आना है, फिर जूनियर को छोड़ने जाना है, फिर स्कूल आना है. ऐसे टोटल 8 trips आपको लगाने पड़ेंगे, 8 बार आना जाना हो जाएगा. सही है सुनो फ्रेंड, ये आपको समझ में आ रहा है. स्कूल, स्कूल से सीनियर, सीनियर से स्कूल, स्कूल से जूनियर, जूनियर से स्कूल. और जब लेके आएंगे तो इनको छोड़ना भी पड़ेगा. इसका मतलब टोटल अपने 8 trips ये हो जाएंगे. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस इज 8 kilometers. 8 kilometers हैं और अपने पास 8 trips है. हाँ, ध्यान रखना. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस वन वे इज 8 kilometers. द स्कूल वर्क्स 25 days in a month and remains closed for May, June and December. इसका मतलब 8 kilometers
इंटू एट ट्रिप्स, 8 किलोमीटर्स इंटू 8 ट्रिप्स इंटू 25 मंथ्स इंटू 25 डेज इंटू 9 मंथ्स, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल किलोमीटर्स, ठीक है। 3 महीने वैकेशन रहेगा तो वी आर टेकिंग 9 मंथ्स। द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ दी वन बस 150,000, लाइफ इज 12 इयर्स, ड्राइवर सैलरी आपको दे रखा है, क्लीनर सैलरी 350 रुपीज पर मंथ पर मंथ। नाउ सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स, मतलब आपको काम करना है ओनली 9 मंथ्स, लेकिन हमको जो कॉस्ट पड़ेगा, जो सैलरी पड़ेगा वो ऑल फॉर 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स। वन क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस, ओके। नाउ वन क्लीनर इज फॉर 5 बसेस, इसका मतलब वन क्लीनर फॉर 5 बसेस, ओके। लाइसेंस फीस आपको ठीक है दे रखा है 860, इंश्योरेंस आपको दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू, डीजल कॉस्ट, किलोमीटर्स एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट्स, दैट सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर, इसका मतलब 50 स्टूडेंट है अपने पास और 50 के 50 हमको 100% कैपेसिटी पे मिलते। स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ ऑफ द फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन दिस कैटेगरी। इग्नोर इंटरेस्ट सिंस द चार्जेज आर बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेज ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ए ईयर। वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पर मंथ, स्टूडेंट फॉलोइंग विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर्स फ्रॉम स्कूल और स्टूडेंट फॉलोइंग आउटसाइड द अबव रेंज। इनको एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा ऊपर से नीचे तक में आया, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में आपको देखने का नजर उठा के और आपको लगेगा हम साथ साथ हैं, आपको लगेगा हम साथ साथ हैं। सही है सुनो, सबसे पहले स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो देन यू स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस, ओके। स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेज ऑपरेटिंग सिंगल बस एंड फ्लीट बसेस फॉर, एक साल का अपने को निकालना है, सिंगल बस का भी निकालना है, 5 बस। तो जो आपका जो डाउट था कि सर 5 बस का करके दिखाओ, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला पार्ट आप देख लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज योर पहला। स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स फॉर द ईयर पर बस, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल ट्रिप्स अपने रहेंगे 8, ओके, इनटू डिस्टेंस अपना रहेगा 8 किलोमीटर्स, इनटू डेज अपने रहेंगे 25 और मंथ्स रहेंगे 9, क्योंकि 3 मंथ्स अपना हॉलीडे है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल किलोमीटर्स। इट मींस 8 × 8 × 25 × 9 14,400 किलोमीटर्स आपकी बस सिंगल बस चलेगी। सही है सुनो,
आपका सिंगल जो बस है वो कितना चलेगा, ट्रिप 8 ट्रिप्स होंगे। अब देखो ये आपका स्कूल, स्कूल से पहले लेने जाएगी सीनियर को, फिर सीनियर को स्कूल लेके आएगी, फिर आफ्टर 1 आवर आफ्टर आफ्टरनून, क्या बोल रहे हैं, द बसेज आर गैरेज इन द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज दैट इन द मॉर्निंग, ये आपका मॉर्निंग स्लॉट, ये आपका मॉर्निंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट में क्या बोल रहा है, द बसेज आर गैरेज इन द स्कूल द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज दैट द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक्स अप द सीनियर स्टूडेंट एंड सेकेंड ट्रिप एन आर, इसका मतलब 1 आवर के बाद फिर स्कूल से जूनियर को लेने जाएगी और फिर जूनियर को लेके स्कूल आएगी। ये आपको क्लियर हुआ कि, और एवरी टाइम आपको 8 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ये आपका हुआ 8 8 8 8, आएगी तो फिर जाएगी भी वापस, उनको छोड़ना भी पड़ेगा, ये तो लेके आए फिर इनको घर भी तो छोड़ेंगे तो वापस वही हो जाएगा, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 4, ये 4 आने के और 4 जाने के, टोटल 8 ट्रिप्स हमारी ये हो गए, 8 ट्रिप्स। आपको ये कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन, ये मैंने आपको समझाने की, 8 ट्रिप्स एंड देन 8 किलोमीटर देन 25 डेज देन 9 मंथ्स एंड 14,400। सही है, सुनो यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं, ये आप मुझे बताइए, परफेक्टली क्लियर होना। और राइट फ्रेंड्स, इट मींस आपका जो टोटल किलोमीटर्स होगा, आपका जो टोटल किलोमीटर्स होगा वो क्या होगा, 14,400, 8 ट्रिप्स 8 किलोमीटर्स 25 डेज 9 मंथ्स 14,400, ये आपका टोटल आ जाएगा। 4 ट्रिप्स ये हो गया, जाएगा फिर आएगा तो 8 ट्रिप्स हो गया। ओके, अब आप आइए, पहला तो सिंपल आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, Prepare a statement showing the expenses of operating a single bus and fleet of 5 buses. Single bus and fleet of 5 buses. Okay. It means, आप आ जाइए friends. Step number 2. ये आपका step number 1 अपन ने कर लिया है, ये आपको exam में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका step number 1 हो जाएगा, और solution में मैंने आपको दे रखा। इट मींस स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट for the year. This is for single bus and this is for 5 buses, all figure in rupees. Okay friends, क्या बोल रहा है, statement showing normal operating cost for the year single bus and 5 buses. Okay, अब आप आ जाइए friends, सबसे पहले क्या क्या आपने को दे रखा है, the details of expenses are as under, first is a depreciation, this is your depreciation, 1,50,000 is the cost, 1,50,000 is the cost, less scrap value 30,000 divided by 12 and this comes to 10,000. okay, and 5 buses के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
your 10,000 and multiply by 5, and this comes to 50,000. Okay, 10,000 multiply by this comes to 50,000. Then number two kya bol raha hai friends, ड्राइवर सैलरी ड्राइवर को क्या सैलरी मिलेगा फ्रेंड्स, 450, लेकिन ऑल द 12 मंथ्स. इट मींस 450 इंटू 12 इज 5,400, एंड दिस इज 5,400 इंटू फाइव इज 27,000. Then your third, cleaner salary is 350 per month. Salary is payable all the, but क्या बोला है, salary payable for all the 12 months. One cleaner employed for all 5 buses. It means 350 into 12 divided by 5 buses is 840. Then 840 multiply by 5. 840 multiply by 5 is 4,200. Say yes or no. 4,200. Say yes or no. Then one cleaner employed for all the license fees. Then fourth is a license fees. What is the license fees? Is 860 rupees for single bus. It means 860 into 5. 860 into 5 is 4,300. 860 into 5, 4,300. Then insurance is 1,000 for single bus, so 1,000 into 5 is 5,000. सही आंसर है, इजी लग रहा है कि नहीं आप बोलो. पहले आपने को क्या बोला, डेप्रिसिएशन 1,50,000 इज द कॉस्ट, 30,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 12, वन ईयर का 5 बसेस का. ड्राइवर सैलरी 450 इंटू 12, 5,400, 5,400 इंटू 5, 27,000. क्लीनर सैलरी 350 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि उसने क्या बोला है, वन क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस, दिस 840 इंटू दिस. लाइसेंस फीस 860 इंटू 5, 4,300. इंश्योरेंस इज 1000 इंटू 5 इज 5,000. यहां तक आपको क्लियर हुआ? इंश्योरेंस तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको जो बताइए. इंश्योरेंस तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, राइट. देन उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स टू कंटिन्यू दिस. उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स योर डीजल कॉस्ट. कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी? 14,400 किलोमीटर. दिस इज योर 14,400 किलोमीटर. 2 रुपीज पर लीटर एंड 2 इज फॉर 4 किलोमीटर. इट मीन्स 14,400 into 2 डिवाइडेड बाई 4 इज 7,200 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 आपका डीजल का कॉस्ट आ जाएगा इज 36,000. ओके, एंड देन यू टेक योर
आपका आइटम 5, ये आइटम आपका 6, ये आइटम आपका 7, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, व्हाट इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस? 3500 रुपीज पर बस, 3500 रुपीज पर बस एंड टोटल 3500 into 5 is 17,500. This will be your annual cost. Annual cost, and अगर divided by 12 कर देंगे तो अपन को क्या आ जाएगा? मंथली कॉस्ट. सही है, सुनो. अब आप आ जाइए टोटल, इट मीन्स 10,540, 860 + 1,000, 18,100. 18,100 कैरी फॉरवर्ड हुआ, प्लस 7,200 + 5,500 इज 28,800. Then 50,000, 27,000, 4,200, 4,300, 5,000, 9,500. 90,500 plus 36 plus 17,500 is 1,44,000. That you divided by 12. That you divided by 12. Divided by 12 is 12,000 rupees. And 28,800 divided by 12 is 2,400. So yes, sir. Perfectly, आपको clear हुआ क्या? Each and every point is clear or not? क्या पूछा है अपने से? Prepare a statement showing the monthly expenses of operating a single bus and 5 buses. Single bus and 5 buses. Okay? अब अपने से क्या पूछ रहा है? Second, work out the average cost per student. Work out the average cost per student in respect of per month. Work out the average cost per student. Work out the average cost per student in respect of per month. Students falling within the range of 4 kilometers from school and student falling outside the above range. 4 kilometers से जो लोग आते हैं, 8 kilometers से जो लोग आते हैं, देखो, हमको total recover करना है 2,400. हमको total कितना recover करना है? It means, देखो जरा, this is your statement showing cost per month. Cost per month हम लोगों ने क्या calculate किया friends? Cost per month calculate किया 2,400. अब मैंने जब देखा, जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट पागल की तरह सॉल्व किए क्वेश्चन, मतलब पूरा करने के बाद भी फाइनल आंसर रॉन्ग कर देते हो. देखो, आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स आर 100. कैसे? 50 सीनियर एंड 50 जूनियर. बच्चे लोग भूल जाते हैं ये बातें. 50 सीनियर एंड 50 जूनियर, बराबर 100. 100 में से आपको 4 किलोमीटर से कितने बच्चे आएंगे और 8 किलोमीटर से कितने बच्चे आएंगे? क्या बोल रहे हैं? सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट्स. द सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड. 50 का सीट्स है
और 50 के 50 100% क्या है, योर ऑक्यूपाइड, 100% ऑक्यूपाइड है. द सिटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर. स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल आर चार्ज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन चार्ज हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन दिस कैटेगरी. इसका मतलब 4 किलोमीटर से आएंगे 50% ऑफ 100, इट मीन्स 50 स्टूडेंट, और बाकी के 50% ऑफ 100 आपके क्या आएंगे, 50 स्टूडेंट. अब जो 4 किलोमीटर से आएंगे उससे x चार्ज करेंगे, तो इससे क्या चार्ज करेंगे, 2x. क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ ऑफ द फेयर, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन दिस. इसमें अगर x है तो इसमें हाफ लेंगे अपन, इट मींस 50x प्लस 100x, ये आपका आ गया 50x और ये आपका आ गया 100x. 50x प्लस 100x इक्वल टू 50x प्लस 100x इक्वल टू 2400, इट मींस 150x इक्वल टू 2400, देन x इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 150 इज 60. इसका मतलब जो 4 किलोमीटर से आएगा उससे 16 पर मंथ लेंगे और जो 8 किलोमीटर से आएगा उससे 32. यहां से x लेंगे, इससे 2x लेंगे. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. बोलिए फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर मंथ, इट मींस टोटल कॉस्ट हमारा 2400 आया, वो अपन ने निकाल लिया था, साल का ये आ रहा है 12 मंथली. अब ये पैसा हमको रिकवर करना है. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 50 जूनियर और 50 सीनियर. बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब मैं पेपर चेक करता हूँ पता चलता है 4 किलोमीटर्स एंड 8 किलोमीटर्स, 50% ऑफ 100 इज 50, 50% ऑफ 100 इज 50. इससे x लेंगे, हाफ लेंगे, इससे फुल लेंगे. 50x 100x इक्वल टू 2400, 150x इक्वल टू 2400, x इक्वल टू 16. 4 किलोमीटर से आएगा उससे 16, 8 किलोमीटर से आएगा 32. इससे x और इससे 2. वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पर मंथ स्टूडेंट फॉलोइंग विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल स्टूडेंट्स फॉलोइंग आउटसाइड द अबव रेंज. सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना था आपको, एकदम एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, आप मुझे बताइए प्लीज. ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ एग्जैक्टली सिमिलर टाइप में आप जरा देखिए योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड पेज नंबर 58. ओके, एंड यू प्लीज इंक्रीज योर स्पीड. हाँ फ्रेंड्स, आप स्पीड आपको बहुत जरूरी है. दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक एंड यू टेक क्वेश्चन नंबर सेवन एंड योर पेज नंबर 9.6. दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक क्वेश्चन बुक. ओके, आप जरा देखिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 58 एग्जैक्टली सिमिलर टाइप है, खाली दो की जगह 3 रेंज हो जाएंगी यहाँ पे. ओके, तो फ्रेंड्स जरा देखेंगे. ईपीएस इज ए पब्लिक स्कूल हैविंग 25 बसेस. वहां पे क्या था, 5 बसेस था, यहाँ पे क्या हो गया आपका 25 बसेस. ईपीएस इज ए पब्लिक स्कूल हैविंग 25 बसेस ईच प्लेइंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट. इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स availing this bus service, the buses work 2 shift daily, both in the morning and in afternoon. Same वैसा ही है, morning है and
आफ्टरनून है, टू शिफ्ट आपकी चलेंगे, ठीक है। द बसेस आर गैरेज इन द स्कूल, द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन सो अरेंज दैट इन द मॉर्निंग द फर्स्ट पिक्स अप द सीनियर स्टूडेंट, मॉर्निंग में पहले सीनियर स्टूडेंट्स एंड सेकेंड ट्रिप प्लेइंग एन आफ्टर लेटर एन आर लेटर पिक्स अप द जूनियर स्टूडेंट, देन वन आवर के बाद यू टेक द जूनियर स्टूडेंट। सिमिलरली इन द आफ्टरनून फर्स्ट ट्रिप टेक्स द जूनियर स्टूडेंट एंड एन आवर लेटर द सेकेंड ट्रिप टेक द सीनियर स्टूडेंट्स। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच बस वन वे इज 16 किलोमीटर। वहां पे क्या था, ओरिजिनल सम में लास्ट जो सम किया था वहां पे 8 किलोमीटर था, यहाँ पे आपका 16 किलोमीटर है, खाली फिगर चेंज किया। स्कूल 24 डेज, वहां पे 25 था, यहाँ पे 24 डेज। इन ए मंथ रिमेन क्लोज्ड फॉर द वैकेशन इज मई एंड जून, यहाँ पे खाली दो ही महीने के लिए बंद है, मई एंड जून। द बस फी हाउएवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट फॉर ऑल द 12 मंथ्स इन ईयर, आपको 12 मंथ्स का पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2016 एंड 17 आर एज अंडर। ड्राइवर सैलरी फॉर ऑल 12 मंथ्स 5000 रुपीज पर मंथ पर ड्राइवर। क्लीनर सैलरी पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स, वन क्लीनर हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर एवरी 5 बसेज, वहां पे भी सेम था 3000 पर मंथ। लाइसेंस फी टैक्सेस 2300, इंश्योरेंस प्रीमियम 15600, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 16400, परचेज ऑफ द बस 16,50,000, लाइफ 16 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 150, डीजल कॉस्ट 18.5 पर लीटर। ईच बस गिव्स एन एवरेज 10 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 60 स्टूडेंट। द एक्चुअल कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। बस फेयर इज 25% ऑफ द फुल, 50% ऑफ द फुल एंड फुल। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अवेल द फैसिलिटी 15% फ्रॉम 4 किलोमीटर, 30% फ्रॉम 8 किलोमीटर, 55% फ्रॉम 16 किलोमीटर। इग्नोर इंटरेस्ट सिंस द बस फीस हैज टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेज ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 25 बसेस इन ए ईयर। पहले उतना कर लेते। आपको क्वेश्चन से कुछ समझ में आया नहीं, आपको क्या करना है, आपको नजर उठा के क्लास में देखना है। आपको लगेगा कि हम लोग सब साथ साथ हैं। सही आसन हो फ्रेंड्स, आपको क्या लगेगा हम साथ साथ हैं। सही आसन हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 25 बसेस। ओके, आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स पर मंथ एंड पर बस। स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स पर मंथ पर बस। ओके, देखो पहले की तरह वापस 8 ट्रिप्स, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। नाउ 16 किलोमीटर्स इनटू 24 डेज एंड दो महीने बंद है, इट मींस 8 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 10 इज 30,720। कितने ट्रिप्स है फ्रेंड्स, बोलो। 8 ट्रिप्स हैं, एक बार में कितना है डिस्टेंस 16 किलोमीटर्स, एक बार में डिस्टेंस 16 किलोमीटर्स। नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में दे रखे हैं 24,
दो महीने की छुट्टी है, इट मीन्स टोटल 30,720। टोटल आपको क्या दे रखा है? 30,720। सही है सुनो फ्रेंड्स, 30,720 आपको दे रखा है। अब आप आ जाइए वन बाय वन ऑल द एक्सपेंसेस, द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस ना फ्रेंड्स, इट मीन्स दिस इज योर, गो वन बाय वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू। Statement showing operating expense per month. Statement showing ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर मंथ, सिंगल बस 25 बसेस। सही है सुनो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर मंथ फॉर सिंगल बस एंड फॉर 25 बसेस। This is rupees, this is rupees. सबसे पहले फ्रेंड्स अपने को क्या दे रखा है, ऑलराइट, सबसे पहले आप आ जाइए पॉइंट नंबर वन इज ए डेप्रिशिएशन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बस? 16,50,000 माइनस व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? 150। आपको कुछ लिखना नहीं है, सब सॉल्यूशन में दे रखा है, आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। एंड डिवाइडेड बाय 16 इयर्स, इट मींस योर 16,50,000 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16 इयर्स, 93,750, 93,750 एंड 93,750 इंटू 25 इंटू 25 इज 23,43,000 इज 750 इज ए डेप्रिशिएशन। नंबर टू इज योर ड्राइवर सैलरी। व्हाट आर द ड्राइवर सैलरी? इज 5,000 रुपीज पर मंथ, इट मीन्स 5,000 इंटू 12, बिकॉज सैलरी इज पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स, इट मीन्स 60,000 एंड 60,000 इंटू 25 इज 15 lakhs। ड्राइवर सैलरी इज 15 lakhs। देन यू गो फॉर थर्ड, क्लीनर सैलरी। व्हाट इज द क्लीनर सैलरी? इज क्लीनर सैलरी पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स, 3,000 रुपीज पर मंथ, इट मीन्स 3,000 इंटू 12। लेकिन प्लीज पे अटेंशन, क्या बोला है उसने, वन क्लीनर हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर 5 बसेस, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इट मीन्स 3,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 7,200 एंड हियर 7,200 इंटू 25, 7,200 इंटू 25 इज 1,80,000। सही है सुनो, क्या रहेगा आपका, इट मींस डेप्रिशिएशन 93,750, कॉस्ट ऑफ दिस लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ये आपका आ जाएगा। ड्राइवर सैलरी
5,000 into 12, 60,000, 60,000 into 25, cleaner salary 3,000, 12, 5, 7, 2, double 0, and 1,80,000. Say yes, sir. Perfectly clear. ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3. क्लीनर सैलरी तक आपका हो गया फ्रेंड्स. क्लीनर सैलरी ओके देन गो फ्रेंड्स. आइए दिस इज योर सिंगल बस एंड 25 बसेस. सिंगल बस एंड दिस विल बी योर 25 बसेस ओके. Then you go friends, after that license fee is 2300. License fee is 2300 and here 2300 into 25. 2300 into 25 is 57,500. Then you go for license fee. Then you go for insurance premium. Insurance premium. What is the insurance premium? 15,600. It means 15,600 into 25. 15,600 into 25 is 390,000. Then repair and maintenance. Repair and maintenance 16,400. Yes, 16,400 into 25. ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. 400 into 25 is 4,10,000. And then diesel cost total kilometers is 30,720 kilometers. Now what is your this is 18 rupees 50 paise per liter. 18 rupees 50 paise per liter and 1 liter mein we can run 10 kilometers. That is also given. It means 30,720 into 18.5 divided by 10. 56,832 into 25 is 14,20,000. 14,20,000 and 800. All right, this is your total cost. This is your annual total cost divided by 12. अगर आप करोगे तो आपको क्या आएगा. This is your monthly cost. सही है सुनो. अब आप आ जाइए 93,750 plus 60 plus 7,200 plus 2,300 plus 15,600 plus 16,400 plus 56,832. 252,082.
82082 and multiply by 25 is 63020050 divided by 12 divided by 12 divided by 12 525170. And 252082 divided by 12 is 21,007. Yes or no? यहां तक आपको क्लियर हुआ था, ये तो एकदम स्ट्रेट था ना फ्रेंड्स, कोई इसमें कुछ था ही नहीं, मतलब ना स्ट्रेट कैलकुलेशन था। मेन अभी आपका आएगा दिस, मीन्स एवरी मंथ आपका जो आएगा दैट, सो दिस विल बी योर आंसर नंबर वन। ये आपका हो गया आंसर नंबर वन। से दिस इज योर फाइनल आंसर नंबर वन। फाइनल आंसर वन इट मीन्स आपका फाइनल आंसर आ रहा है 21,007। आपका फाइनल आंसर आ रहा है फ्रेंड्स 21,007 एंड दिस इज अ मंथली कॉस्ट। अब ये क्या बोल रहा है आंसर टू में, वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। इट मीन्स हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है 21,007, वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 8 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। अगर वो 4 किलोमीटर से आ रहा है, 8 से आ रहा है या 16 से आ रहा है, 4, 8 और 16, तो उससे हम हर महीने का क्या चार्ज करेंगे। अब देखो ये आपका आ जाएगा दिस इज योर आंसर नंबर टू, गो वेरी सिस्टमेटिक राइट, दिस इज योर आंसर नंबर टू। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, इट मीन्स स्टेटमेंट showing cost per student and per month. Statement showing cost per student and per month. ओके okay. अब आपका मंथली कॉस्ट को हम लोगों ने निकाल लिया था 21,007, योर मंथली कॉस्ट इज 21,007 रुपीज 21,007। अब इसको कैसे रिकवर करेंगे, 3 पार्ट्स, ईच वाज गिब्सन एवरेज, ठीक है, द सिटिंग कैपेसिटी। नाउ प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस, द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 60 स्टूडेंट्स। ओके, इसका मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 60 सीनियर प्लस 60 जूनियर। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 120। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 60 स्टूडेंट, द एक्चुअल कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। इसका मतलब हमको 120 की जगह 120 स्टूडेंट ही मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन द रेंज ऑफ डिस्टेंस
4 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है। लास्ट वाले सम में खाली दो ही थे, 4 और 8, यहां पे इसने 3 कर दिए, ठीक है। अच्छा, बस फेयर 25%, अगर वो 25% अगर वो 4 किलोमीटर से है, 50% अगर वो 8 किलोमीटर से, और फुल अगर वो 16 किलोमीटर से। ना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल दिस फैसिलिटी, अवेल दिस फैसिलिटी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अवेल दिस फैसिलिटी इज 15% ऑफ 120, देन 30% ऑफ 120, एंड देन 55% ऑफ 120। इट मीन्स 120 इंटू 0.55 इज 66, 120 इंटू 0.3 इज 36, 120 इंटू 0.15 इज 18। ओके, इससे हम चार्ज करेंगे 0.5x, इससे हम चार्ज करेंगे 0.5x, इससे हम चार्ज करेंगे x। ओके, 16 किलोमीटर वाले से x, 8 किलोमीटर वाले से 0.5x और इससे 0.25x। इट मींस 18 इंटू 0.25 इज 4.5x प्लस 36 इंटू 0.5 इज 18x प्लस 66x इक्वल टू 4.5 प्लस 18 प्लस 66 इज 88.5x, 88.5x, say yes or no? इट मीन्स 88.5x। ये आपको क्लियर हुआ है। मंथली हमारा कितना चार्जेज है, 21,007। अपने पास टोटल 60 सीनियर हैं, 60 जूनियर हैं, इट मीन्स मिला के 120 स्टूडेंट हैं। 4 किलोमीटर रेंज है, 8 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर से 15% स्टूडेंट आते हैं तो 18 हो गए, 30% 8 किलोमीटर से आते हैं और 55% 16 से आते हैं। इंटू 0.25 देगा ये, 0.5x देगा ये, x देगा 4.5x, 18x, 66x इक्वल टू 88.5x। सही है सुनो, नाउ 88.5x, अब आप आ जाइए, इट मींस योर 88.5x इक्वल टू आपका है 21,007, देन x इक्वल टू 21,007 डिवाइडेड बाई 88.5 विल बी 237.36. It means your final answer 4 kilometers, 8 kilometers, 16 kilometers, 237.36 into 0.25, this is your monthly, okay, then 237.36 into 0.5 and this is 237.36 into 0.25 is 59.34, then 118.68. It means 4 kilometers, 8 kilometers, 16 kilometers, 237.36 into 0.25, 237.36 into 0.5, and this is your final answer. Decision month.
परफेक्टली क्लियर हो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप मतलब जो प्रीवियस सम किया था, लेकिन मैंने क्या कि तीन चार बार ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं सोचा कि एक बार एकदम प्रॉपरली आपको करवा देता हूँ। सही है सर, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है। ओके, ये आपका क्या था, ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर्स से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स थे, ट्रांसपोर्टेशन में आपके पैसेंजर्स से रिलेटेड थे। अब मैं आपको लेके चलता हूं फ्रेंड्स रिलेटेड टू वेट, रिलेटेड टू वेट, वेट मींस योर रिलेटेड टू टन्स, वेट मींस योर रिलेटेड टू, बोलो टन। अब इसमें दो तरह का रहता है फ्रेंड, एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, और ये मैंने आपको सॉल्यूशन बुक में दे रखा है, सॉल्यूशन बुक में आप जरा देखिए पेज नंबर 9.6, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिफर पेज नंबर 9.6। एक आपका रहता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स और दूसरा आपका रहेगा फ्रेंड्स सेकेंड इज ए कॉमर्शियल टन, कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स, एक आपका रहेगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स और एक आपका रहेगा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ये तो सिंपल है टन्स, ये आपका सिंपल है, इट मींस टन्स मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर्स, जैसे हम लोग क्या करते थे पैसेंजर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर्स, ऐसे यहां क्या करेंगे टन्स मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, और कॉमर्शियल में अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स योर एवरेज टन्स, एवरेज टन्स मल्टीप्लाई बाय टोटल किलोमीटर्स। एवरेज टन्स मल्टीप्लाई बाय टोटल किलोमीटर, वेट, वेट टन्स में रहेगा वन एंड टू, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड कमर्शियल टन किलोमीटर्स, टन्स मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर्स, एवरेज टन्स मल्टीप्लाई बाई टोटल किलोमीटर। ये तो कितने टन आप लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो वो आ जाएगा, और अगर आपको कुछ नहीं बोला तो एग्जाम में हमेशा आपको ये यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में लॉजिकली जो है वो ये है, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिकली अगर वो पूछ लेता है एग्जाम में कि डिफाइन व्हाट इज कॉमर्शियल टन किलोमीटर और व्हाट इज द एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, तो फिर आपको ये बताना है, एब्सोल्यूट भी बताना है और आपको कॉमर्शियल भी बताना है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप जरा देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर एट पेज नंबर 59 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर एट पेज नंबर 9.7 इज सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन नंबर एट पेज नंबर 59 इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर एट पेज नंबर 9.7 इज ए सॉल्यूशन बुक। आराम से एक एक करके आप जरा देख लीजिए। ए लॉरी स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 20 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए, इट अनलोड्स 8 टन्स एट बी एंड द रेस्ट ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी, इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू द स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 16 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी, the distance between A to B, B to C and then C to A is 80, 120 and 160 kilometers respectively, compute the absolute ton kilometers and commercial. अब बोलो absolute में मैंने आपको क्या बताया, just tons को kilometers से multiply करना है और commercial में average tons को आपको total kilometers से multiply कर देना है। commercial में आपको
एवरेज टर्न्स मल्टीप्लाई बाई टोटल किलोमीटर्स आपको कर देना है. ओके अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग फर्स्ट दीजिए absolute, first is a absolute ton kilometers. Okay, क्या होता है? It means tons multiplied by kilometers. क्या रहेगा friends आपका first statement showing? Statement showing आपका absolute टन किलोमीटर्स, इट मीन्स टन्स मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर्स. इट मीन्स आप आ जाइए पहला, ए लॉरी स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 20 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए. ए ए टू बी बी टू सी एंड सी टू ए. ए लॉरी स्टार्ट विद द लोड ऑफ 20 टन्स, 20 टन्स लेके चली टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए. इट अनलोड 8 टन्स एट स्टेशन बी. इट मीन्स आपके पास कितना बचा? 12 टन्स बी एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट सी. इट रीचेज बाय डायरेक्टली स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 16 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी. इट मीन्स इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 16 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी. 16 टन्स इट मीन्स जाने के टाइम क्या किया था? ए टू बी 20 टन्स लेके चली, लेकिन बी पे जाके 8 अनलोड कर दिया. इसका मतलब बैलेंस कितना बचा आपके पास? आपके पास बैलेंस बचा 12. क्या बोला? ए लॉरी स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 20 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए. इट अनलोड्स 8 टन्स एट स्टेशन बी एंड रेस्ट अनलोड 8. इट मीन्स बैलेंस आपके पास कितना बचा? 12. इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 16 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम सी. मतलब ए टू बी, बी टू सी और सी से डायरेक्टली ए पे आ गए. ओके एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए इज 80 किलोमीटर्स. 80 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स एंड 160 किलोमीटर. इट मीन्स 20 इंटू 18 इज 1600, 12 इंटू 120 इज 1440 प्लस 16 इंटू 160 इज 2560. Your absolute ton kilometer will be 1600 plus 1440 plus 2560 is 5600. Say yes or no. Aapka total kya ho jayega? 5600. 20 tons A to B. Distance is this. बी पे जाके अनलोड किया, अनलोड किया 8. इट मीन्स व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? 12. बी टू सी 120, देन 16, 160, 1600, 1440, 2560, 5600. इज दिस क्लियर ऑन ऑल फ्रेंड्स? परफेक्ट क्लियर बोलो. देन यू कम वापस. अब ये अपने को क्या पूछ रहे हैं? ये कॉमर्शियल
10 kilometers. Commercial 10 kilometers, it means 80 kilometers. First you take average tons. मैंने आपको क्या लिखाया था, इट मींस एवरेज टन्स इनटू टोटल किलोमीटर्स, एवरेज टन्स इनटू टोटल किलोमीटर्स. व्हाट आर द एवरेज टन्स, एवरेज टन्स आपका 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 इनटू व्हाट इज द टोटल किलोमीटर्स आर, टोटल किलोमीटर्स आर 80 120 160, इट मींस 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 इज 16 इनटू 80 plus 120 plus 160 is 360. It means 16 into 360 will be 576. This will be your commercial ton kilometer. Commercial ton kilometer. Average tons into total kilometers 20, 12, 16 divided by 3 and total. Say yes, my friends. Hello. Is this clear or not? Please. All right, friends. So now you refer your question number 9. Okay. Question number 9. Similar type of concept, absolute ton kilometers, and page number 59 and question number 9, page number 9.7 in solution book. Are you following or not, friends? Okay. Question 9 from question book, page number 59. Can you check, friends? Global Transport Limited charges 90 rupees per ton for its 6 ton truck lorry load from city A to city B. Global Transport Limited charges 90 rupees per ton for its 6 ton truck lorry load from city A to city B. The charges for the return journey are 84 rupees per ton. इसका मतलब अगर outward है तो उसका charges क्या रहेगा? Outward का charges क्या है? 90 rupees. और अगर inward आप कुछ लेके आएंगे तो उसका चार्जेज है 84 रुपीज. नो कंसेशन और रिडक्शन इन दीज रेट्स इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी. इन जनवरी 2016 द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नीज फॉर सिटी बी विद अ फुल लोड, आउट ऑफ विच 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी. The truck carried a load 8 tons in its return journey for 5 tons, but once caught by police and 1200 was paid as a fine. For remaining trips, the truck carried full load, out of which all the goods on load were unloaded once at city C. The distance from city A to city C and city B are 140 and 300 kilometers respectively. Annual fixed cost and maintenance charges 60,000 rupees, 12,000 respectively. Running charges spent during January 2016 to 944. You are required to find out the cost per absolute ton kilometers and profit for the January 2016. Very, very important sum, huh, friends? वापस से वही, ऊपर से नीचे तक आए कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से नीचे तक आए कुछ समझ में नहीं आया. देन यू स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेके आप स्टार्ट करिए. क्या कर सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले अपन को क्या चाहिए इसको, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर. ओके,
it means, what do you mean by absolute 10 kilometers? It means your step number 1, statement showing absolute 10 kilometers. What do you mean by absolute 10 kilometers? It means tons, ton, kilometers. It means your tons multiply by kilometers. Tons multiply by kilometers. Say yes or no. Statement showing absolute 10 kilometers. It means tons multiply by kilometers. Statement showing absolute 10 kilometers. It means tons multiply by kilometers. Okay, fine. Global Transport Limited charges 90 rupees per ton for its 6 tons truck lorry load from city A to city B. The charges for the return journey is 84 rupees per ton. No concession or reduction in these rates is made for any delivery of goods at intermediate station C. In January 2016, the truck made 12 outward journeys for city B with full load, out of which 2 tons were unloaded twice in the way at city C. Iska matlab isne 12 total journey kiye hain. Total outward journeys are 12. 12 mein se 2 times there is a problem. The truck made 12 outward journey for city B with a full load, out of which 2 tons were unloaded twice in the way at city C. अपना route क्या है? अपना route है A to C and C to B. ओके, तो लेके चला, इट मींस ये आपका आउटवर्ड जर्नी, इट मींस ए टू सी एंड सी टू बी. A to B, it means 6 tons, 300 kilometers given hai na. The distance of A to B, the distance of A to C and C to B is 140 and 300. It means 300 into 10 times plus 6 tons, the distance A to C and C to B is 140 into 2 times plus, abhi 2 tons unload kiya to 4 tons into 160 into 2 times. Say yes or no, friends. It means 6 into 300 into 10 is 18,000. 6 into 140 into 2, 1680. 4 into 160 into 2 is 1280. So total will be your 18,000 plus 1680 plus 1280, 20,096. Means we are making 12 outward journey.
12 में से 2 टाइम्स देर इज ए प्रॉब्लम, इट मींस 10 टाइम्स तो वी आर गोइंग डायरेक्टली ए टू बी, ए टू बी का डिस्टेंस इज 300 एंड वी आर कैरिंग 6 टन्स। अब ए से लेके चले 6, लेकिन डाउन कर दिया 2 ऑन सी, इट मींस सी टू बी इज ओनली 4, डिस्टेंस 140 2 टाइम्स, डिस्टेंस 160 2 टाइम्स, सो 18,000 प्लस 1680 एंड टोटल 20,960, दिस विल बी योर आउटवर्ड जर्नी, दिस विल बी योर फॉर आउटवर्ड जर्नी। ओके, नाउ यू कम टू इनवर्ड जर्नी, इट मींस 12 टाइम्स जाएगा तो 12 टाइम्स आएगा, इट मींस बी टू ए। द ट्रक कैरीड ए लोड 2 टन्स पर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी। द ट्रक कैरीड ए लोड 8 टन्स इन द रिटर्न जर्नी 4-5 टाइम्स, बट वंस कॉट बाय द पुलिस एंड 1200 वॉज पेड एज ए फाइन। फॉर रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरीड फुल लोड, आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड वंस एट सिटी सी। द ट्रक कैरीड ए लोड ऑफ 8 टन्स इन इट्स रिटर्न जर्नी 4-5 टाइम्स, बट वंस कॉट बाय पुलिस एंड 1200 वॉज पेड एज ए फाइन। फॉर रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरीड ए फुल लोड, आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड एट सिटी सी वंस, इट मीन्स 5 टाइम्स 8 टन्स 300 किलोमीटर्स एंड 5 टाइम्स 8 टन्स 300 एंड 5 12,000 देन बी टू ए। रिमेनिंग ट्रिप 6 टन्स, अब रिमेनिंग कितना बचा 7, 7 में से 1 में प्रॉब्लम, इट मींस 6 टन्स 300 किलोमीटर्स इंटू 6 टाइम्स 300 इंटू 6 टाइम्स इज 10,800 then B2C, then B2C, it means 6 tons into 160 into 1, okay, it means 960, so the total will be, it means total will be 12,000, 10,800, 960, 23,760. So total will be 20,960 plus 23,760. Is 44,720. Is 44,720. Say yes or no, friends. It means 12 times jayenge to 12 times aayega, 12 times jayega to 12 times wapas aayega, 12 times jayega to 12 times wapas aayega. It means 8 tons 300 kilometers 5 times. Ye to clear de hi rakha hai. 57. 7 mein one time there is a problem. Started 6 tons B, बट फुल्ली अनलोडेड एट सी, तो बी से सी तक लाया। रिमेनिंग में वट एवर टन्स इज देयर 6 टन्स 300 एंड टू 6 टाइम्स, सही है सुनो, सो योर टोटल विल बी 2960, 23,760 एंड 44,720, सही है सुनो। आपको डिस्टेंस दे रखा है ए टू सी, ए टू सी इज 140, ए टू सी इज 140 किलोमीटर्स and this is 160 kilometers and total is
300 किलोमीटर। सही है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ओके, अब इसके लिए आपको चाहिए नॉर्मल कॉस्ट। वेन एवर देर इज ए लॉस, कितनी बार मैंने आपको बोला है, वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, बट इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, योर कॉस्ट ऑफ सर्विस विल इंक्रीज, योर कॉस्ट ऑफ सर्विस विल इंक्रीज। इसका मतलब यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ओनली नॉर्मल कॉस्ट। ओके, अब आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर टू, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर जैन 2016। ओके, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, इट मींस फिक्स्ड कॉस्ट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इज 5,000, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस, इट मींस मेंटेनेंस चार्जेस इज 12,000 डिवाइडेड बाय 12 इज 1,000, रनिंग चार्जेस 2,944, रनिंग चार्जेस इज 2,944, टोटल कॉस्ट विल बी 8,944, योर टोटल कॉस्ट विल बी 8,944। सही है सुनो फ्रेंड्स, देन पुलिस वाले ने जो पकड़ा है दैट को वी विल नॉट कंसीडर, पुलिस वाले ने जो पकड़ा है उसको वी विल नॉट कंसीडर, दैट इज ए एबनॉर्मल लॉस। हाँ, अगर एवरी टाइम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर ओवरलोड एंड यू आर प्रोवाइडिंग एवरी टाइम, तो फिर अपने को नॉर्मल कॉस्ट में लेना पड़ेगा, बट ही कॉट ओनली वंस, इसका मतलब दिस वॉज अ मिस्टेक ऑफ द ड्राइवर, वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम कस्टमर, अदरवाइज योर कॉस्ट विल इंक्रीज, इट मीन्स अब आप आ जाइए कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, इट मीन्स 8,944 डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर इज 44,720, डिवाइडेड बाई 44,720 इज 0.2, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर 8,944,420। सही है सुनो, व्हाट आर दे आस्किंग, सेकंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ओके पर टन किलोमीटर, एंड प्रॉफिट फॉर जनवरी 2016, एंड प्रॉफिट फॉर जनवरी 2016, इट मींस नाउ यू गो, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके फर्स्ट यू सी योर Gross receipts, refer note 1, less operating
कॉस्ट आंसर वन निकाला था ना 8944 एंड लेस दिस विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लेस पेनल्टी एंड दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट. ओके नाउ नोट नंबर वन इज ए ग्रॉस रिसीप्ट्स. नोट नंबर वन एज ए ग्रॉस रिसीप्ट्स. ओके व्हाट आर द ग्रॉस रिसीप्ट इज व्हाट आर द ग्रॉस रिसीप्ट्स फ्रेंड आ जाइए आप देखो 6 tons एट द रेट ऑफ 90 × 12 times बिकॉज देर इज नो कंसेशन. उसने बोला है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है ना देखो नो कंसेशन और रिडक्शन इन दीज रेट्स इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी. एट स्टेशन सी 6 tons 90 rupees per ton 12 then 8 tons 84 5 times then 6 tons 84 and 7 times it means 6 into 90 into 12 6480 8 into 84 into 5 3360 6 into 84 into 7 3528 it means 6480 3360 3528 is 13368 minus 8944 is 4424 minus 1200 is 3224. Say yes sir. This is your statement showing analysis of profit and loss. This is your gross receipt. This is your operating cost. You will get operating profit, penalty and then net profit. How to find out this gross receipt? 6 tons, no concession. It means you have to pay full. No concession. 90 into 12, 6480, 884 into 5, 684 into 7, and this will be your total. Say yes or no. Perfect. So your first you take your gross receipts, then you minus the operating cost, then this penalty and this. Say yes or no. Okay? इतना आप करिए फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं.